दोस्तों से किताब का मार चल पा आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर 20 साल बाद काजल तोड़ेगी चुप्पी। दरअसल आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा चारों उस केस की स्टडी के लिए पौधा निवास में अतीत ढूंढते नजर आने वाली है। उस वकील के बारे में पता करेगी आखिर कौन था जिसने वो केस लड़ा था जिसके बारे में देव पूछ रहा है, और देखने को मिलने वाला है कि काजल के सामने ये सच आएगा कि कोई और नहीं उसकी मॉम ही थी जिसने वो केस लड़ा था, और आखिर उसने अपना करियर बाद में क्यों छोड़ दिया और क्यों आखिर दादी सा ने फैसला लिया था। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है अभीरा के भी और चारू के सामने। देखने को मिलने वाला है कि अभीरा के सामने काजल पहले सच्चाई बता देती है और अब ये सच चारू के सामने भी आ जाएगा कि देव कोई और नहीं काजल का ही प्यार रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, काजल और देव दोनों ही बहुत बड़े लॉयर रह चुके हैं और कलीग्स रह चुके हैं, और देखने को मिलने वाला है कि काजल का प्यार किसी और ने दादी सा ने छीना था, और अब चारों फंसते नजर आएगी जब सबके सामने अपनी इंटर्नशिप को लेकर। तो यहाँ पर काजल अपनी बेटी की खातिर खड़ी नजर आएगी क्योंकि जो नाइंसाफी उसके साथ हुई वो अपनी बेटी के साथ बिल्कुल नहीं होने देगी। चारों के लिए यहाँ पर दादी सा के खिलाफ खड़ी नजर आएगी और कहेगी कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, आपकी वजह से मैंने इस लड़के से शादी की थी और मैंने अपने प्यार को भुलाकर आगे बढ़ी थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। और चारू की खातिर अभीरा और काजल दोनों ही, जब अभीरा का सपोर्ट मिलेगा तो काजल सबके सामने सच बताते नजर आने वाली किस तरह से दादी सा ने उसका करियर और जिंदगी बर्बाद कर दी है।